मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश करने पर 24 साल की एक महिला ने कथित रूप से धारदार हथियार से अपने 26 साल के पति का प्राइवेट पार्ट काट डाला। इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि विनोद राजपूत ने अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी ने उस पर हमला बोल दिया और एक धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। ये घटना 7 दिसंबर की रात की है, लेकिन पीड़ित विनोद ने 13 दिसंबर को जतारा थाने में शिकायत की, जिसके बाद इस घटना के होने की जानकारी सामने आई है। घटना के तुरंत बाद विनोद ने एक प्राइवेट डॉक्टर से अपना इलाज करवाया, जिसके बाद उसे अब राहत है। बता दें कि यह घटना टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर जतारा थाना क्षेत्र के रामनगर में 7 दिसंबर की रात को हुई है। 2019 में शादी होने के कुछ महीनों बाद ही दोनों में किसी बात को लेकर अनबन होने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे अलग रहने लगे। हालांकि पिछले कुछ समय से दोनों साथ रहने लगे थे। पीड़ित विनोद की शिकायत के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 324 के तहत मामला दर्ज करा दिया गया है।